Skills students are to receive skill after BSCS skill outline medicine skill level part set up care is from the path to be receive skill क्या होती है और ये क्यों पढ़ा जाती है इसका होना क्यों जरूरी है तो इसमें का स्किल में मैं आपको बताते चलूँ ये जब हम दूसरों के मैसेज को सुनते हैं जो वो बोल रहे होते हैं उनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं तो उसके लिए हम लिसनिंग फॉर्म में आते हैं। एक इसमें आप इफेक्टिव लिसनिंग देखेंगे, लिसनिंग स्किल की डेफिनेशन, फिर उसकी आप हियरिंग और लिसनिंग के अंदर जो डिफरेंस है वो पढ़ेंगे, फिर आप इसके टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लिसनिंग, फिर आप इसके बैरियर्स ऑफ लिसनिंग, बैरियर्स ऑफ लिसनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिसनिंग स्किल स्पीकर्स, इट टेल्स अस which resources are responsible for the listening problems. तो और आखिर में हम इसके कंक्लूजन्स पढ़ेंगे, इसके वो यूजफुल फ्रूटफुल पॉइंट्स पढ़ेंगे के थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड वॉट दे आर सेइंग थ्रू लिसनिंग प्रोसेस। तो विच इज़ द बेटर रिसोर्स ऑफ लिसनिंग प्रोसेस वो इन दी एंड हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगा कि लिसनिंग स्किल में क्या होता है। स्टूडेंट्स ये जो मैं इंग्लिश अभी बोलूंगा यही आपके असाइनमेंट है, इसको आपको नोट करना होगा और इस इंग्लिश का मैं उर्दू में ट्रांसलेट भी करूंगा। तो ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू लिसनिंग स्किल है, ये आपने हेडिंग देनी है। मैं आपको मंडे वाले दिन बकायदा इसकी असाइनमेंट भी दे दूँगा, लेकिन अगर आप पहले इसको रीड करना चाहें, सुनना है, दिखना चाहें तो ये जो मैं इंग्लिश बोलूँगा ये यहाँ से स्टार्ट करना। तो स्टार्टिंग है कि लिसनिंग इज अ कॉम्प्लेक्स एंड सेलेक्टिव प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एक्सेप्टिंग मैसेजेस। लिसनिंग एक पेचीदा अमल है और सेलेक्टिव प्रोसेस है, मुंतखब शुदा अमल है पैगाम को रिसीव करने का, मौसूल करने का एंड एक्सेप्टिंग और कबूल करने का। इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, ये जो सरगर्मी है ये बड़ी अहमियत की हामिल है, एज इट डिमांड्स हाई क्लास सीरियसनेस, क्योंकि ये अपने अंदर आला दर्जे की संजीदगी रखती है। यानी कि आप जब किसी की बात को सुन रहे होते हैं तो आपको दूसरे की बात को लिसन करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आपको साइलेंस की ज़रूरत होती है। तो हाईनेस सीरियसनेस, साइलेंस सीरियसनेस में ही आती है। इट शोज अ पर्सन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर पीपल, तो जो लिसनिंग स्किल है ये दूसरे शख्स के रवैये को जाहिर करती है। अकॉर्डिंग टू केविन मर्फी, ये राइटर का नाम है, वो कहते हैं द बेटर यू लिसन द लकियर यू विल गेट, जितने बेहतर तरीके से आप सुनेंगे उतने ही ज़्यादा आप खुशकिस्मत बनेंगे, ये उसकी डेफिनेशन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर लिसनिंग अहमियत बयान की गई है। इसके लिए बेसिक जो चीज़ आपके सामने आ रही है वो यही है कि आपको हाई लेवल की सीरियसनेस की ज़रूरत होती है, आपको साइलेंट होकर सुनने की ज़रूरत होती है। आप किसी के पैगाम को साइलेंट मोड में, यानी आपके दाएं बाएं आगे पीछे शोर ना हो, तभी आप दूसरे के मैसेज को सुन सकते हैं। शोर में आप किसी दूसरे बंदे के मैसेज को सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इस पैराग्राफ के अंदर की बात, अच्छा जो दूसरी हेडिंग है वो ये है कि द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग और लिसनिंग में क्या फ़र्क है, जबकि मतलब दोनों के सेम है। हियरिंग ये होता है किसी की बात को सुनो, यानी आप जब किसी की बात को गौर से नहीं सुनते, तवज्जो से नहीं सुनते, वो हियरिंग के ज़ुमले में आता है। और जब आप किसी की बात को गौर से या तवज्जो से सुनते हैं वो लिसनिंग के ज़ुमले में आता है। तो अब हियरिंग इज मेनली द एबिलिटी ऑफ ईयर टू रियलाइज साउंड्स, सुनना सिर्फ और सिर्फ कान से किसी आवाज़ को महसूस करने की सलाहियत है। बट लिसनिंग इज मोर ऑफ कॉन्शियस एफर्ट, लेकिन जो लिसनिंग है वो बहुत ज़्यादा मुहतात होकर सुनने का नाम है, अंडरस्टैंड द साउंड्स, आवाज़ को समझने के लिए, रिक्वायरिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, जहन की तवज्जो के हसूल के साथ, जहनी तौर पर भी आपका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है लिसनिंग में,
जबकि हेयरिंग में सिर्फ आप आवाज़ों को महसूस करने की सलाहियत रखते हैं, उसमें आप तवज्जो जाहिर नहीं कर रहे होते। तो ये बेसिक डिफरेंस है हियरिंग और लिसनिंग का। इसके बाद नेक्स्ट जो आती है वो है इफेक्टिव लिसनिंग, क्या होता है? मौसर तौर पर सुनने की सलाहियत, जो आपके लिए बड़ी पुर असर हो, जो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल हो, उसमें इफेक्टिव लिसनिंग। इफेक्टिव लिसनिंग हेडिंग देने के बाद आगे है, इफेक्टिव लिसनिंग इज एक्टिवली एब्सॉर्बिंग द इंफॉर्मेशन। मौसर तौर पर सुनना, किसी पैगाम को अपने अंदर समा लेना है, एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द स्पीकर, और बोलने वाले को फीडबैक देना, उसका जवाब देना, सो दैट ताकि ही और शी नोज द मैसेज वॉज रिसीव, ताकि वो ये बात जान सके कि आपको पैगाम मिल गया है, मौसूल हो गया। इफेक्टिव लिसनर्स शो स्पीकर्स दैट, तो इफेक्टिव लिसनर्स जो मौसर तौर पर सुनने वाले लोग होते हैं, शो स्पीकर्स वो बोलने वाले को जाहिर करते हैं कि देयर मैसेज इज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड, कि जो उन्होंने पैगाम उनको सेंड किया है, स्पीक किया है, बोला है, भेजा है, वो उन्होंने मौसूल कर लिया है, वो उन्होंने समझ लिया है। ये इफेक्टिव लिसनिंग के जिम्मे में आता है। तो यहाँ तक आपने इंट्रोडक्शन ऑफ लिसनिंग पढ़ा है, और लिसनिंग के बाद आपको मैंने टाइप्स डिफरेंस बताया, डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग वो होता है किसी की आवाज़ को सिर्फ महसूस करने की सलाहियत है, गौर से नहीं आप सुनते, और जब आप किसी की बात को गौर से सुनते हैं पूरी जहनी तवज्जो के साथ, वो लिसनिंग के जरिए में आता है। थर्ड मैंने आपको जो हेडिंग बताई है वो है इफेक्टिव लिसनिंग। तो इफेक्टिव लिसनिंग के अंदर आप बोलने वाले की आवाज़ या पैगाम सुनते हैं, फिर उसका फीडबैक यानी रिप्लाई करते हैं, जवाब देते हैं, और उसको इस बात से यकीन दहानी कराते हैं कि आपने उसके मैसेज को रिसीव कर लिया, मौसूल कर लिया और समझ लिया। ये इफेक्टिव लिसनिंग के ज़िम्मे में आता है। तो ये जो मैंने इंट्रोडक्शन, डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग और इफेक्टिव लिसनिंग, ये मैंने तीन बोले हैं, तीन में मैंने इनकी इंग्लिश के साथ ट्रांसलेशन की है, यही आपकी असाइनमेंट है। फर्दर मैं आपको ये असाइनमेंट मंडे वाले दिन भी सेंड कर दूँगा। और आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लिसनिंग की तरफ, कि इसमें कौन कौन सी टाइप्स आती हैं। तो टाइप्स जो लिसनिंग के लिए हैं, इसकी सिक्स टाइप्स हैं। आप हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ लिसनिंग, अगर वो आपसे क्वेश्चन करे व्हाट इज लिसनिंग, तो आपने जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ लिसनिंग देना, जस्ट। उसके बाद वो अगर पूछे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिसनिंग, तो आपने इंट्रोडक्शन देने के बाद फॉरन टाइप्स भी आना, आपने फिर इफेक्टिव लिसनिंग नहीं लिखना, आपने वो डिफरेंस हियरिंग और लिसनिंग वाला भी नहीं लिखना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ लिसनिंग, जस्ट। अच्छा, तो इसके अंदर क्वेश्चन सेकंड जो शुरू होता है वो टाइप्स है। इसमें जो थर्ड क्वेश्चन बनता है वो है बैरियर्स ऑफ लिसनिंग, वो अभी मैंने बाद में डिस्कस करना है। फिर इसमें जो चौथा क्वेश्चन बनता है लिसनिंग स्किल्स के अंदर, एक ही टॉपिक के अंदर आउटलाइन के वो चार सवाल आपके बनते हैं। तो मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ लिसनिंग क्या है। तो चौथा क्वेश्चन आपका जो है वो यही है कि आप कैसे अपनी लिसनिंग एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये कुछ क्वेश्चन होना चाहता। लेकिन मैं आज आपको सेकंड टाइप्स ऑफ लिसनिंग डिस्कस करूंगा। तो इसकी फर्स्ट टाइप है, देयर फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट द लाइन देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स। ये लिखने के बाद आप फर्स्ट लिखेंगे प्रिटेंडिंग लिसनिंग। प्रिटेंड, द लिसनर प्रिटेंड्स थ्रू हिज फेशियल एक्सप्रेशन। प्रिटेंडिंग लिसनिंग, इससे मुराद होता है जाहिर करना, दिखाना, प्रिटेंड होता है दिखाना, जाहिर करना, बनावटी, जिसमें हम अपने चेहरे के जो तासरात होते हैं उसके थ्रू भी लिसनिंग कर रहे होते हैं। जैसे मैसेज है, हम बोलते नहीं है कि यस, हम यानी कि ये जो फेशियल एक्सप्रेशन है ये भी शो कर रहे हैं कि यू आर लिसनिंग, कि आप सुन रहे हैं। अच्छा, द प्रिटेंडिंग लिसनिंग, द लिसनर प्रिटेंड्स थ्रू हिज फेशियल एक्सप्रेशन। तो लिसनर, सुनने वाला अपने चेहरे के तासरात से जाहिर करता है दैट के
द मैसेज इज लिसन टू, कि उसने पैगाम सुन लिया है, गौर से सुन लिया। इसमें एक टाइप होगी। दूसरी टाइप है सिलेक्टिव लिसनिंग, यानी कि वो मुंतखब शुदा सुनता है, मखसूस सुनता है। इट मीन्स सिलेक्टिंग द डिजायर्ड पार्ट। इससे मुराद ये है कि आप अपनी मर्जी का चुना हुआ हिस्सा ही मुंतखब कर रहे होते हैं, एंड इग्नोरिंग द अनडिजायर्ड पार्ट ऑफ द मैसेज। आप पैगाम के नापसंदीदा हिस्से को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। इसको आप कहते हैं सेलेक्टिव लिसनिंग, जिसमें आपने अपनी मर्जी से पैगाम को सुना है। पैगाम आपके पास आया, उस पर जो आपका डिजायर्ड पार्ट है, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपका मनपसंद, वो हिस्सा आप सुन लेते हैं, उसका रिप्लाई करते हैं, फीडबैक करते हैं, और जो बात आपके मिजाज के मुताबिक नहीं होती, यानी कि अनडिजायर्ड होती है, उसको आप इग्नोर कर देते हैं। इस तरीके को लिसनिंग स्किल में हम सेलेक्टिव लिसनिंग स्किल कहते हैं। तो दो टाइप्स आपको मैंने बता दें। फर्स्ट टाइप इज प्रिटेंडिंग लिसनिंग, जिसमें सुनने वाला अपने चेहरे के तासरात से ये जाहिर करता है कि वो आपके पैगाम को सुन रहा है। जैसे मैंने आपको मूवमेंट करके भी दिखाई, जेस्चर्स करके दिखाई, यानी इससे ये मुराद है कि वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। He is understanding what you say, जो आप कह रहे हैं वो सुन रहा है। इसमें जो थर्ड टाइप आती है वो है अट्रैक्टिव लिसनिंग। इट मीन्स पेइंग अटेंशन टू द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, अटेंटिव लिसनिंग, गौर से सुनना, तवज्जो के साथ सुनना, जो थर्ड टाइप आती है। इसमें जब कोई बंदा बात कर रहा होता है, आप भरपूर तवज्जो के साथ जब सुनते हैं, वो अटेंटिव लिसनिंग कहलाती है। उसमें क्लास में टीचर लेक्चर डिलीवर जब करता है, तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टीचर के लेक्चर को अटेंटिवली लिसन कर रहे होते हैं। और इस सिचुएशन को हम इस स्किल के अंदर हम इसको अटेंटिव लिसनिंग, यानी किसी बोलने वाले की, किसी के भेजे जाने वाले पैगाम को गौर से सुनने को अटेंटिव लिसनिंग स्किल कहते हैं। ये थर्ड टाइप होगी लिसनिंग की। अच्छा, ये फोर्थ टाइप भी आ गई, एम्फैटिक लिसनिंग। एम्फैटिक लिसनिंग क्या होता है? किसी की बात को जोर देते हुए सुनना। इट इज लिसनिंग इंटेंटली, इंटेंटली कहते हैं अरादतन, एंड इंटेंसिवली टू अंडरस्टैंड द पर्सन फुली, बोथ इमोशनली एज वेल एज इंटेलेक्चुअली। तो ये कैसी अरादतन लिसनिंग स्किल है, सुनी जाने वाली स्किल है, कि जिसमें हम किसी के भेजे हुए पैगाम को जज्बातियत और अक्ल के दार पेराई में रहते हुए गौर से सुनते हैं, जोर देते हुए सुनते हैं कि इस पैगाम के जरिए उसकी फीलिंग्स क्या है, उसके इमोशंस क्या है, उसकी इंटेलेक्चुअलिटी क्या है, उसकी जहानत क्या है। तो किसी के भेजे हुए पैगाम को हम अपने इमोशंस और अपनी इंटेलेक्चुअल को यूटिलाइज करते हुए उस पैगाम पर जोर देते हुए सुनते हैं, तो इसको हम कहते हैं एम्फैटिक लिसनिंग। उसके बाद पांचवी जो टाइप है, टाइप ऑफ लिसनिंग की, वो है लिसनिंग फॉर म्यूचुअल क्रिएटिविटी, बाहमी तखलीक के लिए सुनना। इट इज अ काइंड ऑफ लिसनिंग इन विच द कम्युनिकेटर्स स्टिमुलेट ईच अदर्स रिस्पॉन्स। ये सुनने की वो एक किस्म है जिसमें कम्युनिकेटर्स, बातचीत करने वाले, कम्युनिकेट करने वाले लोग एक दूसरे को स्टिमुलेट करते हैं, मुतहर्रिक करते हैं, एक्साइट करते हैं, मतलब पुरजोश बनाते हैं, जोश दिलाते हैं, बात करने के लिए उकसाते हैं, और एक दूसरे की मशवरे को लेकर चलते हैं, यानी म्यूचुअल क्रिएटिविटी क्रिएट करते हैं। हर एक शख्स के ख्यालात को सुनते हैं, उन्हें बोलने पर मजबूर फोर्स करते हैं, उन्हें स्टिमुलेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो इस तरह, ताकि जब वो बंदा सुने तो हम उसकी बात को भी गौर से सुन रहे होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो पांचवी इसकी स्किल आती है, टाइप्स की लिसनिंग स्किल की, वो है म्यूचुअल क्रिएटिविटी, लिसनिंग ऑफ म्यूचुअल क्रिएटिविटी। और आखिरी जो इसकी टाइप्स ऑफ लिसनिंग है वो है
इंट्यूटिव लिसनिंग कहते हैं। इट मींस लिसनिंग थ्रू इंट्यूटिव माइंड, जहन से सोचना, जहन की जरिए किसी बात को सुनना। बाय साइलेंसिंग द अदर डाइवर्स, दूसरों की गुफ्तगू को चुप करते हुए। गोइंग एट द सेम टाइम, एक ही बात, यानी किसी दूसरे पर्सन की बात को सुनने के लिए किसी थर्ड पर्सन बात को इग्नोर करते हुए उसकी सेकंड पर्सन बात को सुनना, ये इंट्यूटिव लिसनिंग स्किल के जिम्मे में आता है। तो छह टाइप्स है। फर्स्ट वन इज प्रिटेंडिंग लिसनिंग, जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन है। दूसरी सिलेक्टिव लिसनिंग, जिसमें आप अपना डिजायर्ड मैसेज सुनते हैं, अनडिजायर्ड मैसेज को आप इग्नोर करते हैं। टू अटेंटिव लिसनिंग, जिसमें आप बहुत गौर से किसी बात को सुनते हैं। और चौथी आपकी है इम्फैटिक लिसनिंग, जिसमें आप किसी की बात को इमोशनली और इंटेलेक्चुअली दोनों तरीकों से सुनते हैं। पांचवी आपकी है लिसनिंग फॉर म्यूचुअल क्यूरिएटिविटी, जिसमें हर एक शख्स को बोलने के लिए कहते हैं और उसकी बात को सुनने के लिए उन्हें उकसाते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, फॉक्स करते हैं, इंसाइट करते हैं। और आखिरी इसमें इंट्यूटिव लिसनिंग, जिसमें हम किसी सेकंड पर्सन की बात को सुनने के लिए थर्ड पर्सन को साइलेंट मोड में करते हुए उसकी बात को सुनते हैं। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट सेकंड हो गया। यानी अगर क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज लिसनिंग स्किल, आपने इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन के बाद आपने उसके डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग बताने हैं, आपने इफेक्टिव लिसनिंग बताना, तीन चीज़ें बताएं। और अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज लिसनिंग एंड राइट डाउन इट्स टाइप्स, इसकी तहरी टाइप्स, इसकी किस्में लिखें, इसकी काइंड्स लिखें, नाम है इंट्रोडक्शन देना। इंट्रोडक्शन के फौरन बाद आपने ये सिक्स टाइप्स के बाद लिख देना, ठीक हो जाए। ये आपके टू क्वेश्चन हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये है कि वैल्यूज ऑफ लिसनिंग क्या है। वैल्यूज ऑफ लिसनिंग आई विल इंशाल्लाह डिस्कस इट इन माय फर्दर नेक्स्ट लेक्चर, and I will give you this assignment to you in the next lecture. Okay, Allah Hafiz.